तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और इसके अंदर मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दे चुकी हूँ कि भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है। आज की वीडियो में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेसिकली हम सीखेंगे कि जब एक नया पार्टनर आएगा, जब एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा फर्म के अंदर, तो उस टाइम हमें पता है कि जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक न्यू एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो अब एक नया पार्टनर आएगा तो भी सीधी सी बात है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी चेंज होगा। चेंज क्यों हुआ? क्योंकि पहले प्रॉफिट अगर दो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता था, तो अब एक न्यू पार्टनर आया है तो अब टोटल कितने पार्टनर हो चुके हैं, 3 पार्टनर हो गए हैं। तो भाई अब जो प्रॉफिट है वो 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो इसी वजह से अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये जो 3 पार्टनर्स है वो किस किस रेशियो में जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप अपनी हेडिंग है वो डाल सकते हो, आज हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भी जो नया पार्टनर आया है अब उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में जो चेंज होगा, तो अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके अलग अलग केसेस में बोल सकती हूँ, अलग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आपकी गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, अपना जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो वो कैलकुलेट करना होगा। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करती हूँ, ठीक है, आप इसको केस नंबर 1 भी लिख सकते हो। फर्स्ट केस में आपको क्या गिवन होगा, और जैसा आपको गिवन होगा ना उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सोल्व करना है। कैसे, जैसे कि विवेक क्या दे सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, सिर्फ जो नया पार्टनर आया ना सिर्फ उसका शेयर गिवन होगा, और जो ओल्ड पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो गिवन है। और अब आपसे पूछ लेंगे कि भी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको कैलकुलेट कीजिए। सेकंड केस आपका क्या बन सकता है कि भी आपको क्वेश्चन में बता देंगे कि भी ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, तो अब आप निकालिए जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपके केसेज होंगे, तो आपको ध्यान देना। तो फर्स्ट केस आपका क्या बनेगा, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन। तो फर्स्ट केस क्या है, सिर्फ और सिर्फ व्हेन ओनली द न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन। ये मैंने क्या लिखा कि भी जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है, जो नया पार्टनर है ना सिर्फ उसका शेयर गिवन है कि भी एक नया पार्टनर आया है और उसका हिस्सा इतना है, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन। देन इन अब्सेंस इन एनी अदर एग्रीमेंट, और आपका कुछ भी एग्रीमेंट गिवन नहीं है, तो भाई उस केस में अब आपको क्या करना होगा, जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। तो अब देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे 3 पार्टनर है, ठीक है, हमारे ओल्ड पार्टनर है, यहाँ पे हमारे 3 पार्टनर है, कौन कौन, ए बी और सी, ठीक है, उनका जो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो गिवन है, वो क्या है, ए का है 3/6, बी का है 2/6, और सी का क्या है 1/6। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ पे अब हुआ एडमिशन, एडमिशन हुआ किसका, एक न्यू पार्टनर का, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और जो न्यू पार्टनर है जिसका एडमिशन हुआ है उसका नाम क्या है, डी। तो डी का अब यहाँ पे एडमिशन हुआ, और इन्होंने कहा कि भी जो डी का शेयर है वो शेयर कितना है, 1/6 शेयर के साथ डी का एडमिशन हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए भाई, फर्स्ट केस आपका क्या गिवन है, व्हेन ओनली द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, ठीक है, और अब आपसे पूछ लिया गया कि जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो निकालिए। तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन का मतलब क्या है, भी न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और जो ओल्ड पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो गिवन है। तो भाई अब आप इस केस में कैसे आप न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालोगे, तो इसके लिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए आपको किस तरह से करना होगा, कैलकुलेशन कैसे करोगे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो की, तो यहाँ पे आप अज्यूम करोगे लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म, ठीक है, या टोटल प्रॉफिट ऑफ, आप क्या लिख सकते हो, लेट, आपको इस तरह से करना, लेट टोटल प्रॉफिट भी, ठीक है, टोटल प्रॉफिट भी हम मान के चलते हैं कि भी जो टोटल प्रॉफिट है ना वो फर्म का कितना है, 1 है, ठीक है। अब 1 है तो जो अब हमारा नया पार्टनर आया डी, अब हम उसका हिस्सा लिखेंगे कि भी जो डी है, डी शेयर कितना है, डी का शेयर है 1/6। तो अब हम देखें, अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो उसमें आपको सॉल्यूशन वो क्या करना होगा, उसमें हम ये करेंगे कि भाई हमें टोटल शेयर 1 मान लेंगे,
और वन में से हम क्या करेंगे, जो नया पार्टनर है ना उसका निकाल देंगे। अब वन में से नए पार्टनर का शेयर निकालने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा ना, जो भी रिमेनिंग शेयर बचेगा, अब हम कहेंगे कि भाई उस रिमेनिंग शेयर को जो हमारे ओल्ड पार्टनर है वे अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट केस में आपको इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना है। मैम समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो क्वेश्चन यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या कहा आपको, जो सॉल्यूशन है वो कैसे करना है, लेट टोटल प्रॉफिट भी आपने मान लिया कि भाई टोटल प्रॉफिट है वो फर्म का कितना है वन, वन में डी का शेयर कितना है भी इन्होंने खुद दिया है कि भाई नया पार्टनर उसको हम इतना शेयर देंगे 1/6। तो अब हमारे पास से रिमेनिंग शेयर कितना है, रिमेनिंग का मतलब कि भी जो हमारा प्रॉफिट बच गया, ठीक है, रिमेनिंग शेयर हमारा कितना है, तो भाई वन में से वन था टोटल हमारा, वन में से 1/6 हमने किसको दे दिया, डी को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना, तो भैया से एलसीएम करके निकाल लो आप, 6, 6 - 1 तो 5/6, तो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना है 5/6 से। तो अब ये जो 5/6 है, 5/6 रिमेनिंग शेयर है ना, इस शेयर को ए बी सी अपने इस ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे और वो उनका क्या निकल के आएगा, न्यू शेयर, ठीक है। तो अब आगे कैसे सोल्व करोगे, नाउ द ओल्ड पार्टनर्स विल शेयर दिस रिमेनिंग प्रॉफिट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हेंस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो ए है, तो अब देखिए ए का शेयर क्या आएगा, ए शेयर इज इक्वल टू ए, जो ये 5/6 है रिमेनिंग शेयर है, इसको ये बांट लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या था ए का 3/6, तो इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 2 जा, तो ये आ जाएगा 5/12, तो ए का नया शेयर अब क्या आ गया 5/12। इसी तरह से आप बी शेयर निकाल लोगे, बी का शेयर कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर कितना हमारा 5/6, बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/6, ठीक है 2/6, तो इसको भी सोल्व कर लो आप, या फिर ऐसा करो इसको, ये ऐसे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 5/18, ठीक है, आया समझ में। अब ऐसे ही आप सी का निकाल लो, सी का यहाँ पे निकाल देती हूँ कभी आपको ना दिखे, सी जो शेयर, अब सी का शेयर कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर हमारा कितना है 5/6, 5/6 को सी ले लेगा अपने ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना है सी का 1/6, तो 1/6, तो सी का शेयर कितना आ गया 5/36, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊँ ना, इजी कैलकुलेशन के लिए ना आप इसको ना यहाँ पे कट मत करो, क्योंकि हमें जब हम न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर नहीं तो फिर अगर हम इसको कट नहीं करेंगे ना, तो सभी के नीचे है यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। तो चलो अब निकाल लेते हैं हम, अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या निकला, ए बी सी और डी का, ए का कितना आया 5/12, बी का कितना आया 5/18, ठीक है, सी का कितना आया, सी का पे रहा 5/36 और डी का कितना आया 1/6। अब हम सभी का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कैसे ही कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे आएगा 6, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आएगा आपका 15:10:5:6, तो ये आ जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 10:15:5:6, ठीक है। आए क्वेश्चन समझ में आप लोगों को, दिखाई तो दे रहा है ना, तो देखो इस तरह से आपको सोल्व करना। तो फर्स्ट केस हमारा क्या बना, व्हेन ओनली द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जब सिर्फ जो नया पार्टनर आया है, जो एडमिशन हुआ नए पार्टनर डी का, सिर्फ उसी का शेयर गिवन है, और भी ओल्ड रेशियो तो खैर आपको मिलेगा, लेकिन और इन्होंने ना इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं कहा, क्या नहीं कहा कि भी डी को जो ये 1/6 शेयर है वो कैसे मिला, कि भी ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, सी ने, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर गिवन है। तो उस केस में क्वेश्चन को आपको कैसे करना, फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, तो उस केस में आपको जो टोटल प्रॉफिट है फर्म का उसको अज्यूम करना है, लेट टोटल प्रॉफिट बी वन, फिर उसमें से हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट वन है आपका, उसमें से जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर हम निकाल देंगे, तो फिर हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, तो हमने लिखा कि जो नया पार्टनर उसका शेयर है 1/6, तो अब रिमेनिंग शेयर कितना शेयर हमारे पास बच गया, वन में से जब डी को हमने 1/6 शेयर दे दिया, तो हमारे पास शेयर बचा 5/6। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है इसको जो ओल्ड पार्टनर है ए बी सी अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, तो हमने फिर निकाल दिया ए का शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर है 5/6, ए का ओल्ड रेशियो है 3/6, तो काट लिया यहाँ पे इसको, 5/12 आया ए का न्यू शेयर। इसी तरह से हमने बी का निकाल दिया, रिमेनिंग शेयर कितना था 5/6 और हमारा
जो ओल्ड शेयर था, ओल्ड रेशियो था बी का, वो कितना था 2.6, तो रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो में हमने बांट लिया, तो हमारा बी का कितना है 5/18। इसी तरह से हमने सी का निकाल दिया और फिर बाद में हमने हल्की सी कैलकुलेशन की, एलसीएम वगैरह किया। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रही थी, मैं ऐसे बता रही थी आपको, देखिए आप इसको कैसे कर सकते थे, ए का जैसे शेयर निकालना था, रिमेनिंग शेयर था 5/6 और हमारा ए का ओल्ड रेशियो था 3/6, तो इसको ना यहाँ काटो मत, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख लो 15/36, फिर आपको ना ये यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी का, देखो 5/6 का 2/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/36, ठीक है, और ऐसे फिर यहाँ पे आ जाएगा 5/36, ठीक है। तो बस अगर हम ये करते ना यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट, तो फिर हमारे को यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हम सीधा लिख देते ए बी सी डी। अब ए का कितना आया 15/36, बी का कितना आया 10/36, सी का कितना आया 5/36 और डी का कितना 1/6। अब सिर्फ डी का यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो सेम करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे डी का कितना आ जाएगा 6/36। तो अब यहाँ पे सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम लिख देंगे 15/10/5/6, कैसे भी कर लो भाई, आपको आना चाहिए, ठीक है, जिसको जैसे ठीक लगे, मैंने आपको दोनों बता दिए। तो काटने में फिर से वही, बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, अगर आप इसको कट नहीं करते डायरेक्ट लिखते जाओगे तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो ये था भाई आपका क्या, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस क्या था, याद रखना है, व्हेन ओनली द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ न्यू पार्टनर शेयर, पार्टनर्स का जो नया पार्टनर है सिर्फ उसी का शेयर गिवन है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे करना है, टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करके करना है, ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है भाई, अगर कोई बच्चा ध्यान से इसको देख रहा होगा तो मुझे नहीं लगता अब आपको यहाँ पे कोई डाउट होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि भाई किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट आ जाए, ना समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट हो पूछ लेना। अब देखिए फर्स्ट केस हमने कर लिया, अब हम करेंगे सेकंड केस। तो शुरू में अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, फिर आगे तो हमें दिक्कत आएगी नहीं, आगे तो हम आराम से कर लेंगे। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, टाइम ज़्यादा नहीं निकला है, तो भाई ये मत सोचिए कि भाई हम कैसे करेंगे, ट्वेल्थ है, बोर्ड है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको करना है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, बेस्ट प्लेयर फॉलोज बेस्ट, तो जो बेस्ट प्लेयर होगा वो बेस्ट को फॉलो करेगा, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना और उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और फिर आप अच्छे से अपनी स्टडी करोगे, जिसने अभी तक तो कुछ नहीं किया उसको भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड केस देखिए, इसी के साथ एक छोटी सी बात है, इसका यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ ये आपको खुद करना, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आप लोगों का इसका आंसर चाहिए। देखिए जो बच्चा मेरे साथ करे रहेगा साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करेगा तो डेफिनेटली भाई वो अच्छा कर लेगा अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, देखने से काम नहीं चलेगा अकाउंट्स में, आपको करना है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है।